We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. दोस्तों, ये जो ओबामा का वीडियो आपने देखा, ये एक फेक वीडियो था। यकीन नहीं होता ना, लेकिन टेक्नोलॉजी आज इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि आप किसी भी इंसान का चेहरा लेकर उससे कुछ भी बुलवा सकते हो और ऐसे हाई क्वालिटी फेक वीडियोस बना सकते हो। इसके लिए आपको किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी जैसे नॉर्मली मूवीज में किया जाता है। ये काम आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे घर बैठे सिर्फ कुछ चंद घंटों में। इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है डीप फेक या फिर सिंथेटिक वीडियोस। ये डीप फेक की टेक्नोलॉजी न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके फेक वीडियोस बनाती है। आप में से जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी है या फिर मशीन लर्निंग पढ़ी है, उन्हें पता होगा न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिनका बेसिक डिजाइन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है। नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और एक बीच का फंक्शन होता है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। इस बीच के फंक्शन को एक कंप्यूटर प्रोग्रामर एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि ये क्या होना चाहिए। यानी एक प्रोग्रामर बैठ के लाइन बाय लाइन लिखता है कि क्या प्रोग्राम होना चाहिए जो इनपुट को आउटपुट में बदलेगा। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, जो बीच का फंक्शन है इसको कोई इंसान बैठ के प्रोग्राम नहीं करता है, बल्कि ये न्यूरल नेटवर्क खुद ही से ही बनाता है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए। ये कैसे बना सकता है, इसको ट्रेन किया जाता है। एग्जाम्पल्स बार बार दिखाए जाते हैं इनपुट क्या है आउटपुट क्या होना चाहिए, जिससे कि बीच का फंक्शन खुद से डिजाइन कर ले। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है SHARE यानी शेयर। आज के टाइम पे दोस्तों ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स ऐसे प्रोग्राम किए जा चुके हैं कि वो प्रिंटेड टेक्स्ट को पहचान पाए, तो ज्यादातर कंप्यूटर्स इसे पहचान पाएंगे कि यहाँ पे शेयर ही लिखा गया है। लेकिन अगर यही चीज मैं अपनी हैंडराइटिंग में नीचे लिखूं तो कितने कंप्यूटर सिस्टम्स इसे पहचान पाएंगे? कोई भी नहीं पहचान पाएगा ना। लेकिन एक न्यूरल नेटवर्क मेरी हैंडराइटिंग को भी पहचानने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, मैं इसको बहुत सारे ट्रेनिंग करने के लिए एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। मैं 10-12 बार शेयर 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 लिखूंगा और एक न्यूरल नेटवर्क को बताऊंगा कि अगर मैं ऐसे शेयर लिखता हूं तो शेयर बनता है, अगर मैं ऐसे भी शेयर लिखूं तो भी शेयर ही होता है वो। तो 10-12 एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे तो न्यूरल नेटवर्क धीरे धीरे सीखेगा। ऑब्वियसली बात है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा उतनी ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क की एक्यूरेसी उतनी अच्छी हो जाएगी पहचानने में कि ये शेयर ही लिखा गया है। तो ये बीच का फंक्शन है, यहाँ पे धीरे धीरे खुद ट्रेन करके न्यूरल नेटवर्क पहचान रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यही न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल दोस्तों हमारे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स में भी किया जाता है। जैसे हर इंसान की अलग अलग हैंडराइटिंग होती है और एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम उसे नहीं पहचान सकता, वैसे ही हर इंसान का अलग अलग चेहरा भी होता है। एक कंप्यूटर को, एक कैमरे को कैसे पता फोन के कि मेरा नाक यहाँ पे है, मेरा मुंह यहाँ है, तो किसी और इंसान का नाक यहीं पे ही होगा, उसका भी मुंह यहीं पे ही होगा, क्योंकि हम सबका फेस तो अलग अलग है। इसको ट्रेन किया जाता है स्नैपचैट के कैमरे को, इसका जो स्नैपचैट का न्यूरल नेटवर्क है इसको 50-100 अलग अलग चेहरे दिखाए गए और उन पे पॉइंटर्स मार्क किए गए कि ये देखो उस चेहरे का नाक यहाँ पे है, उस चेहरे का मुंह यहाँ है। हर चेहरे में बार बार पॉइंट किया गया तो उसका न्यूरल नेटवर्क सीखा कि अच्छा इसका नाक यहीं पे होता है, लोगों के मुंह यहीं पे होते हैं, लोगों के नाक यहीं पे होते हैं, तो हमें स्नैपचैट के फिल्टर के नाक को यहीं प्लेस करना चाहिए, उसके मुंह को यहीं प्लेस करना चाहिए। लुक्सर ये कंपनी थी जिसको स्नैपचैट ने 2015 में खरीदा था, और उस कंपनी की इसी चीज में एक्सपर्टीज थी, फेस डिटेक्शन में किस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना है। डीप फेक्स भी दोस्तों बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ओबामा के उस फेक वीडियो को बनाने के लिए ढेर सारी ओबामा की वीडियो फुटेज को कलेक्ट किया गया और उस न्यूरल नेटवर्क को दिया गया ताकि वो सीख पाए कि ओबामा की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ओबामा का स्टाइल क्या है बात करने का, उसकी वॉइस में कैसे चेंजेस आते हैं जब वो बोलता है। तो उसके बेसिस पे इस न्यूरल नेटवर्क ने ओबामा का फेक वीडियो बना के निकाला। लेकिन क्योंकि ओबामा का भी ढेर सारे बॉडी लैंग्वेज के टाइप्स हैं जिस तरह से वो बात करता है, तो न्यूरल नेटवर्क ने एक से ज़्यादा आउटपुट दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अलग अलग टाइम जिसपे ओबामा सेम चीज़ बोल रहा है लेकिन अलग अलग बॉडी लैंग्वेज से, तो न्यूरल नेटवर्क एक से ज़्यादा रिजल्ट भी दे सकता है जो कि सही निकले यहाँ पे। To help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. तो आप देख सकते हो इस टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस हो सकते हैं। मेरे दिमाग में तो मूवी इंडस्ट्री आती है जिसके बहुत पैसे बचेंगे अगर वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले तो। आपके दिमाग में क्या आता है और किस किस फील्ड में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूरल नेटवर्क्स का, कमेंट्स में लिख के आप मुझे बताइए। और जाहिर सी बात है इसको बहुत खतरनाक तरीकों से भी यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे पहले से ही IT सेल ने, पेड मीडिया ने और फेक न्यूज़ ने तबाही मचा रखी है देश भर में।
हमारे देश में दोस्तों ऐसे फेक वीडियोस को लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वो फेक हैं असली हैं। ऐसे HD वीडियोस को कौन पहचान पाएगा कि वो फेक हैं असली है। फिर बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन आपको पर्सनली इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपके कोई फेक वीडियोज़ ऐसे बना के निकाल दे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा इसमें इनिशियल रिक्वायरमेंट ये है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये है कि बहुत सारी वीडियो फुटेज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जा सके उस तरह से। डरने की जरूरत मेरे जैसे लोगों को है जिन लोगों की बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए। न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है अगर वीडियो फुटेज बहुत सारी अवेलेबल है तो। अगर इतने ट्रेनिंग के लिए वीडियोज अवेलेबल नहीं है तो न्यूरल नेटवर्क जो फेक वीडियो एज आउटपुट निकालता है वो कुछ इस तरह से निकालता है। आप देख सकते हो ग्लिचेस बहुत आसानी से दिख जाते हैं, जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। फिर ये ओबामा का फेक वीडियो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने 2017 में निकाला था, और तब से लेके आज तक ढेर सारे अब डीप फेक के वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे डीप फेक सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कॉमेडी वीडियोस दिखेंगे जिसमें निकोलस केज एक एक्टर है, उसका चेहरा काफ़ी जगह छापा हुआ है, कॉमेडी के लिए यूज़ किया जा रहा है इसे। पिछले महीने दोस्तों जब मैं ग्लोबल मीडिया फोरम में गया था वहाँ पे डीप फेक पे काफ़ी अच्छी टॉक हुई थी, उसकी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। The second problem is synthetic video, better known probably to some of you as deep fake. The recent spate of lynchings in India caused by a WhatsApp video, WhatsApp messages going around, that's leading to the death of people. When I think about synthetic video and the risks that they pose to us, I think this is a real existential threat to us as media organizations, as human rights organizations, as citizens of the world. Do I have a solution for synthetic video? The only solution I have today is to think about verification as a very core to all of our work. Verification needs to be in every single one of our jobs as we do the work we do as journalists, as human rights investigators, as governmental organizations. So your name, your question, where you're from? My name is Dhruv Rathi and I'm from India. My question is regarding the deep fakes. They're something definitely very frightening, but what I see is it's something comparable to Photoshop. Photoshop was for photos and this is for videos. As of now, we can recognize fake Photoshops using softwares online and check that they are Photoshopped or not. Can something similar be done for the deepfake videos? Can there be an online software to check if they're actually deepfaked or not? We're hopeful. I know we've been approached by some people, some very far smarter people than I, who are working in these spaces who want to try and build deepfake detectors, if you like, for want of a better term. However, I think the problem doesn't come from something happening in Germany. We saw, there was a great video recently, I don't know if people saw it, of ducks in Germany obeying the traffic lights and only crossing the road when it was green, right? That was a staged video, right? It wasn't a real video, right? That isn't particularly a problem. Or a head of state potentially saying something in the West. What worries me more is, say, somebody in a conflict zone says something about another group of people. And we have a deepfake video that's been through so many iterations, that it's actually really hard to see what's happened. And we have no independent way to actually verify that and actually send a message about that. So maybe somewhere right at the start, when you have the original video, we'd be able to detect the deepfake. But when it goes so far down the line that it becomes difficult to do so, that's the kind of scenario that worries me a lot. And I'm hoping there's going to be some kind of watermarking in there, some kind of code in there which tells us, but I'm not very hopeful. Okay. मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको बताइए कि ऐसी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। अभी के टाइम पे तो इंडिया में इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया गया अभी तक, लेकिन अभी तक अगले साल हमारे देश में इलेक्शंस हैं और ये IT सेल वाले किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे ज्यादा सॉल्यूशन अभी कोई अवेलेबल नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि न्यूरल नेटवर्क्स को फाइट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का ही इस्तेमाल किया जाए। अगर एक न्यूरल नेटवर्क्स फेक वीडियोस बना सकता है तो हम एक न्यूरल नेटवर्क ऐसा भी बना सकते हैं जो फेक वीडियोस को पहचाने, ऐसी चीजों को पहचाने जो हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ऐसा पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये होए फ्यूचर में।
दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाए ओरिजिनल वीडियोस को स्टोर करने के लिए, ताकि हमें हमेशा पता रहे कि ओरिजिनल वीडियोस क्या हैं और जो बाकी वीडियोस होंगे वो फेक होंगे। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में पता है तो ब्लॉकचेन पता होगी कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप हिस्ट्री सेव कर सकते हैं किसी भी चीज़ की और उसे टैम्पर नहीं होने दिया जा सकता। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है वो हिस्ट्री को स्टोर करने का, जिसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं दोस्तों जो अभी के टाइम पे सोचे जा सकते हैं। जैसे ही कुछ नया आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा इस चीज़ पे। आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जागरूक रखना पड़ेगा ताकि वो झूठ से बचे रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पे डोनेट कर सकते हैं मुझे। एक बोनस क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों इस ग्लोबल मीडिया फोरम की, जो मैंने आपको जिसका टीजर प्रतीक सिन्हा वाले वीडियो में दिखाया था। आप में से बहुत लोगों ने कहा उसका पूरा दिखाओ कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा और उसका लोगों ने क्या जवाब दिया। तो ये है वो क्लिप, इसमें बात की जा रही है आर्टिविज्म के बारे में, यानी आर्ट प्लस एक्टिविज्म के बारे में। डिस्कशन थी बेसिकली कि आर्टिस्ट किस तरह से आज के टाइम पे सोशल एक्टिविज्म में मदद कर रहे हैं। Quality, things and what needs to be done to narrow the inequality gap. And what we are looking in today's session, in this particular session, which you saw in our trailer, as to what contribution art and culture can make towards social change. Now, earlier on, people talked about artivism as simply a little kind of buzzword, but it is now also entered academic discourse. So I would take a bunch of questions and I'll get the panelists to respond to them. Hi, my name is Dhruv Rathi and I'm also from India. Mm-hmm. My question is addressed to everyone here. It's that journalists are very objective people. They do investigative journalism. They deeply research about something before coming to a conclusion. While artists, they write based on their feelings. They make art based on their feelings. So when an artist says that I'm an activist and I'm standing for the truth, I'm standing for what is right, how do they know that that is the truth? Because they're not being objective here. They're writing based on their feelings. Okay. So how do you differentiate between that? Okay, Dhruv. What Dhruv said was that, you know, how artists, when they protest, they're doing it from their feeling. How do we know it's objective? Okay, so Anne, why don't you start and then we can have Regine and then your 1 minute summary of what makes your work more legitimate being an artist. I don't think my work is more legitimate, and I'm not saying I am right, but I'm sorry, not every journalist is objective. That's a very important thing to clarify. And I'm not saying that my view is right. It's an opinion, it's a reaction which possibly people want to share in, or they can ignore. Thank you. What about you, Regine? What I wanted to say is that, it's a bit naive to think that all journalists are objectives, and also artists, I mean, every single artist works in a different way, and the kind of artists I work with, they usually do a lot of research, and it's not visible, but they really do, like, they have the same of inquisitive processes as journalists. So they talk to communities, they collaborate with experts, whether it's experts in cognitive science or in advertising, and then they produce a work that is going to hopefully raise emotion and passion and interest. But I mean, they are not looking for the truth, but sometimes they make visible things that are not visible. So I don't think they should be accused of being just emotional and not being objective. Thank you. And finally, to you. So I will try to answer the three questions, three in one. Okay. But we have very little time. Yeah, in 1 minute. Also, our weapons as artists are our imagination. With our imagination, we try to push the boundaries of what is reality. And this is our subjective way of looking at the world, which creates a new meaning, articulation of meaning in the world. And because we are trying to change meaning, we are out of labels. Labels are jails, are structures, and as an artist, at least for me, I try to break all the jails and all the structures. One word for a journalist and Algerian journalist and a writer who was assassinated by armed Muslim group during the 10 years of terrorism in Algeria, Taher Jaoud said,
Tu parles, le silence, c'est la mort. Tu parles, tu meurs, tu meurs, alors parle et meurs. Silence is death. If you talk, if you speak, you are dead. If you stay silent, you are dead. So say, speak and die. Thank you so much. That was such eloquent contributions from all of you. There are five main tactics in this playbook. First, they question our impartiality. Two, they deny it completely, pretend it didn't happen. Three, they ask, my favorite, this one, they ask the what about question, pointing a finger elsewhere to distract attention. Four, they attack us. And finally, five, they simply shut us down. But despite all this, we're more committed than ever to using open source information as another pillar of evidence for our work. चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में. धन्यवाद.